यहाँ पर नैना देवी दरबार में माता सती के नैन गिरे थे। वो जो मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पे इस तरीके से माथा टेकते हैं। अभी आगे चलते हैं, रश बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इसी तरह से रुक रुक के आए हैं ऐसे, ये देखो जगह जगह से रोक रहे हैं रस्सी से, फिर एक टाइम पे ग्रुप को आगे आने दे रहे हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं माता नैना देवी जी के दरबार में, जो कि माँ सती के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। सो चलिए चलते हैं, रास्ते में आपको पूरी लोकेशन के बारे में बताते हैं और मंदिर पहुंचकर आप सबको दर्शन करवाते हैं। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और यह मंदिर आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन। अभी हम पहुंच गए हैं नैना देवी बस स्टैंड पे। बस स्टैंड के साथ ही मंदिर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो चलिए अभी चलते हैं। यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए चलते हैं। साथ साथ में आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, इसके अलावा खिलौने वगैरह बहुत सी दुकानें हैं, और जिस दुकान से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे आप चप्पलें भी उतार सकते हो। तो जब तक आप ऊपर मंदिर पहुँचोगे आपको सारी जगह ऐसे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप माता रानी के लिए प्रसाद ले सकते हो, चुनरी ले सकते हो, जो भी जिस तरीके से मन्नतें मांग के आता है उस तरीके से प्रसाद ले सकता है। सो फाइनली यहाँ से सीढ़ियाँ हो गई हैं स्टार्ट, जय माता दी। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और साथ साथ में आपको इतिहास बताते हैं। यहाँ की दुकानों पर जगह जगह आपको माता रानी के दरबार में चढ़ाने के लिए छतर और नैन भी मिल जाएंगे, मतलब नेत्र मिल जाएंगे चढ़ाने के लिए, सो आप वो भी ले सकते हो। बात करते हैं मंदिर के इतिहास की, तो माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान भोलेनाथ जी से शादी की थी, जिसके कारण राजा दक्ष उनसे काफ़ी नाराज़ थे। और एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने माता सती और भगवान भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, और बिना निमंत्रण के भगवान भोलेनाथ जी ने मना किया माता सती को यज्ञ में जाने के लिए। पर माता सती फिर भी यज्ञ में गई और वहाँ पहुँच कर राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ जी के लिए बहुत अपशब्द बोले, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और वहीं पे उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ जी को इस बात का पता चला तो वे माता सती के मृत देह को उठा के तांडव करने लगे। तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ आज के टाइम में 51 शक्तिपीठ बन चुके हैं। और यहाँ पर नैना देवी दरबार में माता सती के नैन गिरे थे, इसलिए यहाँ पे नैना देवी मंदिर बना। तो चलिए आगे, और भी इस मंदिर के साथ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जो अभी हम आपको आगे बताएंगे और साथ साथ में आपको दर्शन करवाएंगे। तो इसके लिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना और दर्शन करना। ऊपर से व्यू देख सकते हो कि कितनी ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं, कितना प्यारा छोटा सा उनकी बैठा हुआ है। ओ इधर भी है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर जाना पड़ता है। अगर आप इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो तो आप कैब वगैरह कर सकते हो, बस स्टैंड से ही आपको कैब टैक्सी मिल जाएगी। सो आप थोड़ा नज़दीक पहुँच जाओगे, वहाँ से भी आपको चलना पड़ेगा पर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि आपको बस स्टैंड से चलना पड़ेगा। सो हम तो बस स्टैंड से जा रहे हैं। चलो साथ साथ में आपको मंदिर दिखाते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी होती है, सो जो मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पे इस तरीके से माथा टेकते हैं। सो हम इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है यहाँ पे, नहीं तो अगर निचले एरिया में तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जगह जगह बैठने के लिए चेयर्स रखी गई हैं, आप बैठ के आराम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लगातार चलते रहो, आप रेस्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आराम से दर्शनों के लिए जा सकते हो। सो हम भी रुक रुक के रेस्ट कर करके जा रहे हैं और साथ साथ में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अभी 350 मीटर का रास्ता रह गया है, अब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। चलिए यहाँ पर जगह जगह आपको छोले कुलचे भेलपूरी और भी बहुत सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है कि रास्ता रोक रखा है। अब बात करते हैं मंदिर का निर्माण कैसे हुआ।
मंदिर के निर्माण की कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के से जुड़ी हुई है। एक बार वह अपने मवेशियों को चराने गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने यह घटना अगले कई दिनों तक होती देखी तो एक रात जब वह सो रहा था तो उसने देवी माँ को सपने में यह कहते हुए देखा कि वह पत्थर उनकी पिंडी है। नैना ने अगले दिन पूरी स्थिति और अपने सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। तब राजा ने इसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है और मान्यता है कि इसी पेड़ के पास माता सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य तीन मूर्तियां हैं, माता काली, माता नैना देवी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। दर्शन हो गए हैं, अभी आगे चलते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। ये वो स्थान है, यहाँ से जूना मोड़ ने छलांग लगाई थी। आपको जूना मोड़ का पूरा इतिहास बताऊंगी आगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। मंदिर इतनी ऊंचाई पे है कि आप वहाँ से ये अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हो कितना प्यारा और मनमोहक यहाँ का नज़ारा है। आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है, जगह जगह रोक रहे हैं। हम भी इसी तरह से रुक रुक के आए हैं, ऐसे ये देखो जगह जगह से रोक रहे हैं रस्सी से। फिर एक टाइम पे ग्रुप को आगे आने दे रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत रश है। आप देख सकते हो ये है बस स्टैंड, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो चलिए हमने दर्शन कर लिए, अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। हम वापस जा रहे हैं और आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है, सारे के सारे रास्ते भरे हुए हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये जो सारी आपको शेड दिखाई दे रही है, हम इसी के नीचे से होके आए हैं और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यहाँ पे ये बस स्टैंड है और हमने यहाँ से आना स्टार्ट किया था और इसी शेड के नीचे नीचे होके गए हैं। यहाँ से अभी वो देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यह मंदिर महिष पीठ नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसको ब्रह्मा जी से अमरता का प्रदान मिला हुआ था कि उसे अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़की। तो इसीलिए उसने देवताओं और मनुष्यों को मारना स्टार्ट कर दिया और धरती पर आतंक मचा दिया। इस चीज़ को देखते हुए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ इकट्ठी की और एक देवी को बनाया, जिसके बाद देवी को बहुत सी शक्तियाँ मिल गई। सभी देवताओं से अलग अलग शस्त्र मिले और फिर उसके बाद जब वो देवी महिषासुर के सामने गई तो महिषासुर उस देवी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। और जिसके बाद देवी ने ये शर्त रखी कि अगर आप मेरे साथ युद्ध करते हो और युद्ध में जीतते हो उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी। पर जिस टाइम युद्ध हुआ तो वो दानव देवी से हार गया और जैसे ही उसका युद्ध देवी से हुआ तो वो हार गया और देवी ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी। तो इस तरीके से इस मंदिर को महिषपीठ नाम से भी जाना जाता है। और बाकी तो आप जान चुके हो कि इस मंदिर में माता सती के नैन गिरे थे और इसके साथ ही किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं, अभी हम नीचे चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जूना मोड़ की समाधि देखने के लिए। हम अभी दूसरा ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू करेंगे, सो इसके लिए आप दूसरा ब्लॉग देखिएगा। ये ब्लॉग यहीं तक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।